गुड मॉर्निंग सभी को। बिना टाइम ख़राब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमने पढ़ चुके थे कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आज जो तीसरा टाइप है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। वेन रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाई अनादर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ए और बी बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ऐसे ही X और Y यहाँ पर क्या है, ये मान लो एक रिएजेंट है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई ये रिएजेंट है तो ये इसकी जगह प्रतिस्थापित हो जाता है। देखो Y इसका यहाँ आ गया, B इसका इधर चला गया है, यानी कि इस तरह से अगर हम देखें तो सीधी सीधी बात में यूँ कह दूँ कि अदला बदली हो रही है। अदला बदली किसकी होगी, अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला, अगर प्लस वाला है तो उसकी जगह प्लस वाले की ही अदला बदली हो सकती है। ऐसा नहीं है कि प्लस वाले की जगह हम माइनस वाला सब्सिट्यूट कर दें, ठीक है। जैसे CH3Br है, मेथिल ब्रोमाइड, अब इसकी रिएक्शन हम HCN से करवा दें। यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड एक तरह से क्या है, रिएक्टेंट है, और HCN हम मान के चलते हैं कि भाई ये हमारा रिएजेंट है। अब ये क्या करेगा, ये टू पार्ट्स में टूटता है, जैसे ये प्लस और ये माइनस, राइट। ये तो नाभिक इसने ही बन गया और ये बन गया है इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इसमें भी दो पार्ट होंगे। CN पे तो माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसका जो Br है उसका Br को कहते हैं लिविंग ग्रुप, यानी कि यहाँ से छोड़ के जाना, जितना छोड़ के जाने वाला जो समूह है वो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ये रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी। जैसे CN यहाँ पर जुड़ गया और Br H के साथ जुड़ गया, मतलब Br की जगह CN आया है, यानी कि Br पे भी माइनस था और CN पे भी माइनस चार्ज था। इस वजह से हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अब जैसे C2H5 एथिल क्लोराइड जो है उसकी एक्वस के OH के साथ अभिक्रिया करवा दी। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ एल्कोहलिक के OH नहीं लेते, सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें लेना पड़ता है एक्वस के OH, C2H5OH, यानी कि यहाँ से KCl, Cl जो है वो K के साथ गया है और OH है वो C2H5 के साथ यहाँ पर जुड़ गया है। अब हम यूँ कहें कि एटम, एटम तो Cl है, ग्रुप ऑफ एटम OH, यानी कि इस पर भी पूरे पर माइनस चार्ज है। तो हम देखते हैं कि क्या इन रिएक्शंस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। हमने कहा कि देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर न्यूक्लियोफाइल का हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल की जगह, तो उसे हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। व्हेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इज डन बाय अ न्यूक्लियोफाइल देन इट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने कहा कि न्यूक्लियोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट करना क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। अब ये भी फर्दर इसे दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं भाई, SN रिएक्शन इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये दो तरह की हो सकती है, देखो SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर सकती है रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर सकती है, SN1 एंड SN2। SN1 रिएक्शन क्या होती है, इसे हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वन का मतलब है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। इसका मतलब, वन का मतलब आप यूँ निकाल सकते हैं कि इसकी ऑर्डर ऑफ कितनी कोटि की रिएक्शन है, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, वन है, ठीक है। ये रिएक्शन अगर वन दिख जाए तो इसका मतलब ये रिएक्शन टू स्टेप्स में क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये रिएक्शन टू स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है इसलिए हम वेग का निर्धारण कर लेते हैं। स्टेप सेकंड इज फास्ट स्टेप होता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकेटायन के ऊपर। देखो ये रिएक्शन, रेट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होता है कि हम जानते हैं कि रेट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये देखो ये ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सांद्रता। टर्सरी ब्यूटिल
हैलाइड की सांद्रता पर ही यहाँ पर ये डिपेंड करता है। तो इस वजह से एक ही अणु की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी होगी, 1 होगी। तो वही SN1 का मतलब है। देखो, कार्बोकेटाइन जो प्लेनर होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हेंस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक द प्लेनर कार्बोकेटाइन। देखो, बोथ साइड से वो अटैक कर सकता है, यहाँ पर पीछे से भी अटैक कर सकता है और आगे से भी। SN1 जो मैकेनिज्म है वो इजीली कौन देता है, 3 डिग्री देता है, फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है 2 डिग्री में, फिर लास्ट में जो सबसे कम देता है ये वाली SN1 रिएक्शन वो देता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड अगर हम लें तो यहाँ टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और KCl यहाँ से बाहर निकलता है। मैकेनिज्म अगर हम देखें तो देखो, स्टेप फर्स्ट के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है, राइट, ये इंटरमीडिएट होता है। अब अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो देखो, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पर 1s और 2p कक्षक और 2p कक्षक क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह से हम इसे लिखते हैं sp कितने, 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और हम ये पढ़ चुके हैं कि sp2 जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है उस वक्त प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। प्लेनर का मतलब उस पर आगे और पीछे दोनों से ही न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है या अटैक कर सकता है। जो ये सेकेंड स्टेप होता है ये होता है फास्ट स्टेप। तो इसमें देखो, OH आगे से भी अटैक कर रहा है, OH पीछे से भी अटैक कर रहा है, तो दोनों तरह से अटैक होता है। तो पीछे से अटैक करेगा तो OH इधर की साइड जुड़ गया, आगे से अटैक करेगा तो OH इधर की साइड जुड़ गया। तो ये एक तरह का 50% ये वाला मिलता है और 50% ये वाला। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये अमाउंट जो मिक्सचर इसका मिलता है, इसे रेसिमिक मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेसिमिक मिश्रण। OH अटैक करता है ऑन कार्बोकेटाइन ऑन बोथ साइड्स, आगे और पीछे दोनों साइड से यहाँ पर अटैक होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी SN1 रिएक्शंस। आगे हम देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। 2 का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन अगर 2 है, 2 यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये 1 स्टेप में कम्प्लीट होगी। इसे यूँ समझे, थोड़ा सा जस्ट उल्टा होता है कि अगर ऑर्डर 2 है तो स्टेप 1 लगेगा, अगर ऑर्डर 1 है तो स्टेप 2 लगेगा, राइट। चलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 होता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन देखो, दोनों मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और रिएजेंट यानी कि एक्वस के OH की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। इस तरह से दोनों पर डिपेंड कर रहा है तो कोटि कितनी होगी, 2, ऑर्डर कितनी होगी, 2। तो ये इजीली कौन देता है, 1 डिग्री देते हैं, ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स इस रिएक्शन को ज़्यादातर देते हैं। देखो, वहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा था, लेकिन यहाँ जो मेन चीज़ है वो ये है कि वहाँ तो इंटरमीडिएट बन रहा था कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर क्या बन रही है, एक संक्रमण अवस्था यहाँ पर बनती है। और ये फास्ट, देखो यहाँ से OH पीछे से ही अटैक कर सकता है क्योंकि आगे तो Cl है, यहाँ आगे से अटैक नहीं कर सकता, वहाँ दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ये बात ध्यान रखने की है क्योंकि अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड जब होते हैं तो हम यूँ कहते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस वाले का होगा। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये पीछे से ही अटैक करता है, आगे से नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी Cl मौजूद है, अभी ये हटा नहीं है। तो ये देखो, इस तरह से इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव। तो जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है कि ये पूरी तरह से टूटने के लिए तैयार है और ये बॉन्ड पूरी तरह से बनने के लिए तैयार है। तो जैसे ही थोड़ा सा झटका लगा फास्ट स्टेप के अंदर, तो ये तुरंत, ये तो Cl तो निकल गया यहाँ से और ये OH यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया। अब यहाँ बात जो है इम्पोर्टेंट वो ये है बच्चों कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड्स होता है 1, 2, 3, इस तरह से जस्ट उल्टा होता है SN1 का ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। अगर यहाँ H की जगह 3 CH3 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 होते, जैसे ये H है यहाँ CH3, तो क्या होता है कि उनका क्या होता है, एक तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल को वहाँ पर जुड़ने नहीं देते। तो इस तरह से हम यूँ बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई
OH जो बना है, देखो रिएक्टेंट में ये जो Cl जुड़ा हुआ था नाभिक, इसने वो जुड़ा हुआ था इधर की साइड में, ठीक है। हम इसे यूँ मान के चलें कि मान लो कि ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड में जुड़ा हुआ था, लेकिन जो नया नाभिक इसने ही है, न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ जुड़ा, लेफ्ट साइड में। तो रिएक्टेंट तो अलग विन्यास का था और प्रोडक्ट अलग विन्यास का है, इसका मतलब इसे कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर क्या होती है, थोड़ा सा इसकी चेंज हो जाती है। अब हम कहें कि स्टीरियो यहाँ मेंटेन नहीं है, तो जब रिएक्टेंट में नाभिक इसने ही राइट साइड में है और प्रोडक्ट में वो लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट उल्टा बना। उल्टा बना इसे ही कहते हैं प्रतिपन, प्रोडक्ट में क्या कहते हैं इसे, प्रतिपन, और वाल्डन प्रतिपन का नाम इसे दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। SN1 और SN2 क्रिया अभिक्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लगभग आता रहता है, तो इसे आप अच्छे से कर लें, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि SN1 रिएक्शंस क्या होती हैं, SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की, और उसका हमने आज एक टाइप पढ़ लिया है, और वो टाइप होता है हमारा SN1 एंड SN2। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की चर्चा आज हम कर चुके हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये इम्पोर्टेंट है, और इसे आप अच्छे से करें, याद करें, जितना यहाँ पे लिखा गया है उतना आप इसको याद करें, विद नोट्स है और आपको इजी होगा, आपको कहीं से कचरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ क्योंकि ज़्यादा किताबें, ज़्यादा नोट्स लाने की, इस तरह से आप पढ़ें, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें, उससे आपके नंबर भी अच्छे आते हैं, क्योंकि 100 चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज़ को 100 बार पढ़ें आप, तो वो कोई स्टेबल हो जाती है दिमाग के अंदर। तो ये सबसे अच्छा एक तरीका होता है, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट पर कमांड करने के लिए, तो आप बार बार एक चीज़ को रिवाइज़ करते रहें, उसे देखते रहें, उसे अपने व्यवहार में लाएं, उसे प्रैक्टिस में लाएं, इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, ये अच्छी हो जाएगी केमिस्ट्री, और आप इसमें बोरियत फील नहीं करेंगे, और केमिस्ट्री आपको, मैं वादा करती हूँ कि अच्छी लगने लग जाएगी अब से। So, thank you.